इन चीजों को रखे पर्स में, नहीं होगी कभी भी पैसों की कमी, दूर होगी धन की समस्या, चमकेगी आपकी किस्मत, दूर हो जाएंगे आपके सारे कष्ट और परेशानी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन सी चीजें पर्स में रखना चाहिए जिससे आपके बुरे दिन चले जाएं और अच्छे दिन आ जाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11,000 से ज्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि आपको बहुत सारे अपडेट्स सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेंगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछें और इसे शेयर भी करें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन चीजों को आपको पर्स में रखना है। दोस्तों आप पूरे महीने काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन आपके पास पैसे टिकते ही नहीं। एक हाथ से पैसे आते हैं और दूसरी ओर खर्च की लिस्ट तैयार होती है। अगर आपके पर्स में भी पैसे नहीं टिकते तो हम आपको आज उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपने पैसों की किल्लत से निजात पा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने पर्स में कुछ चीजें रखते हैं तो आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। अगर आप अपने पर्स में पैसे टिकाना चाहते हैं तो ऐसी चीजें अपने पर्स में ना रखें जो आपके घर में दरिद्रता को लाती है। आप चाहें तो आप अपने पर्स में रुद्राक्ष भी रख सकते हैं, इससे आपकी बरकत हमेशा बरकरार रहेगी। ज्योतिष के मुताबिक आपको अपने पर्स में लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा की तस्वीर पर्स में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके पर्स में पैसे की किल्लत कभी नहीं होगी। इसके अलावा पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद आप शुभ मुहूर्त देखकर उसे अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपको कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना होगा। इसके अलावा दोस्तों लाल रंग के कागज पर अपनी इच्छा लिखकर लाल रेशमी धागे से गांठ बांधकर पर्स में रखें। ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा दोस्तों चावल के दानों का हिंदू धर्म में खास महत्व है। कहा जाता है अगर आप पर्स में चुटकी भर चावल रखेंगे तो आपके पर्स से बेवजह पैसे खर्च नहीं होंगे। ज्योतिष के मुताबिक अगर आपको माता पिता या बुजुर्ग से आशीर्वाद में नोट मिले हैं तो आप उस नोट पर केसर और हल्दी का तिलक लगाकर इसे हमेशा अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे आपके पैसों में बुद्धि वृद्धि होती है। ज्योतिष के मुताबिक आपको अपने पर्स में हमेशा एक छोटा शीशा या फिर एक छोटा चाकू रखना चाहिए। और दोस्तों आपको अपने पर्स में पैसों के साथ साथ कोड़ी या गोमती चक्र भी अवश्य रखना चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है कि गुरु की तस्वीर पर्स में रखने से इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। इन चीजों के अलावा दोस्तों अगर आप ऐसा ज्योतिष के तहत ज्योतिष के मुताबिक आप रुद्राक्ष भी अपने पर्स में रख सकते हैं जिससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। अगर आप अपने पर्स में माँ लक्ष्मी से संबंधित गोमती चक्र, समुद्री कोड़ी, कमल गट्टे, चांदी का सिक्का आदि भी रख सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज पर्स में रखने से पहले ये सारी चीजें थोड़ी देर माँ लक्ष्मी के चरणों में अवश्य रखें। पर्स में दोस्तों कभी भी रुपए मोड़कर ना रखें। इसके अलावा पर्स में कभी भी कोई अश्लील चित्र या ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल नहीं होता है उसे पर्स में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि आपको पर्स में क्या क्या रखना चाहिए जिससे आपके जीवन में समृद्धि आए। दोस्तों ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो टिप्स हैं, ये सारे वास्तु शास्त्र के अनुसार हैं और युगों युगों से इनका लोग रखते आ रहे हैं। जिन लोगों ने इन चीज़ों को माना है वो लोग कहीं ना कहीं समृद्ध हुए हैं, कहीं ना कहीं आगे तक पहुँचे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे शेयर भी करें, इस पर कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों चलता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।